दूधाखेड़ी माताजी नवरात्रि को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूधाखेड़ी माताजी ने इस बार नवरात्रि मेले में पंचायत की जगह प्रबंधक समिति करेगी देखरेख। बता दें कि नवरात्रि में पार्किंग, मेले की अस्थायी दुकानें, लाइट, टेंट, श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की व्यवस्था पंचायत करती थी, पर इसमें कोई सुधार नहीं होने के चलते ये जिम्मा इस बार मंदिर प्रबंधक समिति ने अपने हाथों में ले लिया है। प्रबंधन समिति अध्यक्ष रविंद्र परमार ने बताया कि क्षेत्र में दूधाखेड़ी माताजी को लेकर बहुत आस्था है। हर बार मेला व्यवस्था पंचायत देखती थी, लेकिन सुधार नहीं होने के कारण इस बार सभी व्यवस्थाएं प्रबंधन समिति ने अपने हाथों में ले ली हैं। संबंधित सभी लोगों की बैठक ली है, जल्द टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को माताजी के दर्शन करने में कोई असुविधा महसूस ना हो और धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु अच्छा अनुभव साथ लेकर जाएं। मंदिर की विशेषता ये है कि ये राजस्थान सीमा से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में आता है और यहाँ पे कोटा, झालावाड़, जयपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर और कहीं कहीं बाहर तो गुजरात के यात्री भी यहाँ आते हैं और यहाँ पे लकवाग्रस्त जो मरीज आते हैं उनकी जब लाते हैं उनको उस टेम्पर झोली में डाल के लाते हैं यहाँ पे, और जब यहाँ आते हैं तो इस माता रानी के यहाँ आने के बाद में माता रानी उनके ऊपर कृपा करती है और यहाँ का नहावन बबूत हम देते हैं, धागा माता श्री के यहाँ वार के देते हैं और वो धागा उनके बांधते बराबर उनके आराम हो जाता है और वो करीबन सवा महीने की मन्नत करते हैं। सवा महीना में वो पैदल पैदल जाते हैं और इसके बाद में उनके परिवार सहित फिर माता रानी की पूजा करने के लिए आते हैं। और हम मैं बचपन से मेरे पिताजी यहाँ पूजा करते थे, जब से भी यही परंपरा चल रही थी और आज मैं यहाँ पे मंदिर पे जो पूजा कर रहा हूँ अभी भी स्थिति यही है। कितना ये मंदिर हमारे पिताजी वगैरह कहते हैं करीब करीब 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ, मेरा नाम कंवरनाथ पिता मोतीनाथ। मतलब ये चमत्कार है कि यहाँ जो भी मतलब लकवा मरीज वगैरह जो आता है वो 2-4-8 दिन पड़े रहने के बाद स्वस्थ होकर घर जाता है और उसको झोली में डाल के यहाँ लाते हैं और पैदल चल के जाता है यहाँ से। जैसा भी मरीज हो अच्छा ही होके जाता है यहाँ से। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और सब माता रानी की कृपा से अच्छे होके घर जाते हैं। डेली कितनी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं? क्या सर? ज़्यादा डेली साहब यहाँ करीब करीब 3-4 हज़ार जनता आती जाती रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद त्रिवेदी है साहब। मैं सुरक्षा गार्ड में नौकरी कर रहा हूँ माता जी के दरबार में। अभी नया नया लगा हूँ मैं।